एक हमारे यहाँ हापुड़ में रामा मेडिकल कॉलेज है, अब वो यूनिवर्सिटी भी बन रही है, या तो बन गई होगी, बनने वाली होगी, लेकिन हमारे नजदीक की है। माननीय मंत्री जी उसकी तरफ ध्यान देंगे, और सारे जितने लोग हैं, एक व्यक्ति अपनी माँ को प्राइवेट उस मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, उसका ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन होने के बाद में रक्त स्राव होता रहा, और रक्त स्राव होने के बाद में जब 14 दिन तक लगातार वो शिकायत करता रहा, तो उनके गार्ड, उनके लोग उन्हें डांटते रहे, धमकाते रहे, भगाते रहे। इसके बाद क्या हुआ, उसने 112 नंबर पर फोन किया, 112 नंबर पर फोन किया तो 112 नंबर की पुलिस पहुंची, तो मेडिकल कॉलेज जो प्राइवेट था उसने घुसने नहीं दिया बल्कि बाहर कर दिया। फिर उसने इंस्पेक्टर को सूचना दी, इंस्पेक्टर थाने का वहां पर पहुंचा, उसको भी बाहर कर दिया। उसके बाद उसने कप्तान को सूचना दी, कप्तान ने कहा सीओ मैं फोर्स और आसपास की पुलिस लेकर पहुंचिए मेडिकल कॉलेज, और उससे पूछिए कि भाई इस तरह की हरकत क्यों कर रहा है, पुलिस के साथ बदतमीजी कर रहे हो। तो वहां पर हुआ क्या कि जब पुलिस का जमावड़ा हुआ तो बाद में एडिशनल एसपी भी मौके पर पहुंच गए, तो उनको भी, हाँ उनको, जो पीड़ित व्यक्ति को न्याय ताकत का बता रहा हूं उनकी, तो उसको न्याय दिलाने के बजाय उन्होंने कहा कि आप भी एंटर नहीं कर सकते अंदर। और यहां तक कि 2 घंटे के बाद फरमान आया सरकार का कि एसपी हापुड़, एडिशनल एसपी हापुड़, दोनों 2 घंटे के बाद गायब। गायब का मतलब जानते हैं, वहां से उनकी पोस्टिंग हो गई और वो मुख्यालय में, ठीक है आपकी बात, एक मिनट पूरी, बस एक सेकंड, आपकी बात आ गई, अटैच हो गए। उसके बाद डायल 112 नंबर के दरोगा को सस्पेंड किया गया, वहां के दरोगा का ट्रांसफर अलग रखेंगे किया गया। आज की तारीख में, ठीक है अतुल जी, कृपया बैठ जाए, बोला जी संक्षेप में, अपनी कोई बात करना चाहेगा वहां पर, पूछना चाहेगा, किसी की हिम्मत है।